Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and good. Today we are going to start our maths class for 5th class term 1. Today our topic is rounding numbers. Okay? You have learnt about rounding off numbers in class 4. Now we will extend these rules to larger numbers. 4th class mein hum log seekh chuke. To kya seekh chuke rounding numbers? What is the meaning of rounding numbers? Kya hai rounding off? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में 15 मेम्बर्स है और फोर्थ क्लास में 20 मेम्बर्स है. समझो 15 और 20 मिला तो कितने होते? 35 होते. तो अगर कोई पूछे दो क्लासेस में कितनी है बताओ, खरीब खरीब होंगे 40 तक बोल के बोलते हैं. मतलब खरीब खरीब जो नंबर जिसके टेंस के जो खरीब खरीब नंबर रहते हैं उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर, खरीब खरीब. और एक एग्ज़ाम्पल देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका बर्थडे पूछे, आप कितने साल के हैं बोल के पूछे, डेट नहीं सॉरी, आप कितने इयर्स के हैं बोल के पूछे, तो आप अप्रॉक्सीमेटली कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? 7 इयर्स 8 इयर्स ही बोलते ना, ना कि मैं 4 8 इयर्स 4 मंथ्स 3 डेज की हूँ बोल के ऐसा बोलते हैं. नो, राउंडिंग ऑफ जो राउंड नंबर रहता, राउंडिंग जो नंबर रहता, अप्रॉक्सीमेटली 7 तो भी बोलते या ना तो 8 तो भी बोलते. ओके ये होता है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट नंबर, यानी खरीब खरीब. राउंडिंग ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10, हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 देखेंगे क्या है. टू राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10, लुक एट द डिजिट इन द वंस प्लेस. अगर हम आपको नियरेस्ट 10 नंबर देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वंस की प्लेस पे देखना है. इफ़ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज लेस देन 5, अगर वंस की प्लेस पे 5 से कम है नंबर तो रिप्लेस द डिजिट इन द वंस प्लेस विद 0. अगर 5 से कम है वंस की प्लेस पे तो क्या करना है, वो 5 को 0 में रिप्लेस कर देना. ओके और आगे के जो नंबर्स रहते वो पूरे सेम लिखना. इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 5 और ग्रेटर देन 5, रिप्लेस द डिजिट इन वंस प्लेस विद 0 एंड ऐड 1 टू द डिजिट इन द टेंस प्लेस. ऑल द अदर डिजिट ऑफ द नंबर्स रिमेन द सेम. अगर 5 या 5 से बढ़ के वंस की प्लेस पे नंबर तो क्या करना है, वो प्लेस पे वंस की प्लेस पे 0 ऐड करना और टेंस की प्लेस पे 1 ऐड करना. ओके और जैसा जो नंबर रिमेनिंग जो नंबर बचे वो सेम लिखना. अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 के किसके नियरेस्ट 10 है, ये नियरेस्ट कौन से 10 है, 60 है, 60 के नियरेस्ट होता है या 70 के नियरेस्ट होता है वो चेक करना है. तो कैसे चेक करते हैं, 63 है, 63 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, 1 है, ये 1 की प्लेस पे 3 है, तो ये 3 5 से ज़्यादा है या कम है, कम है. तो कम है तो क्या करना, कभी भी ये प्लेस पे ये वंस की ये जो 3 है ये वंस की प्लेस पे 0 लिख देना. अगर 5 से छोटा है तो 0 लिख देना, रिमेनिंग सेम लिखना. तो देखिए यहाँ पे 63 इज राउंडेड डाउन टू 60. देखो 6 जो प्लेस है 6 वैसे लिखे, 3 के प्लेस पे 0 लिखे. तो द डिजिट इन द वंस प्लेस 3 ग्रेटर लेस देन 5, 5 से ये 3 क्या है, छोटा है, सो राइट 0 इन द प्लेस ऑफ 3. नेक्स्ट 4125 है, इज राउंडेड अप टू, इसको कैसे लिखते हैं अब देखिए. अब यहाँ पे वंस की प्लेस पे देखना, वंस की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 की जगह पे यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, 5 यहाँ पे लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है. अगर छोटा रहा तो 0 लिखना, एज इट इज नंबर्स लिखना. अगर यहाँ पे 5 है या 5 से ग्रेटर देन नंबर है तो क्या करना, यहाँ पे 0 लिखना और टेंस की प्लेस पे जो नंबर है उसमें 1 ऐड करना. तो 4 1 2 प्लस 1 3 0, देखिए यहाँ पे. ओके नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. अब नियरेस्ट 100 के पास देखना है, देखिए इफ द डिजिट इन द सॉरी टू राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, लुक एट द डिजिट इन द टेंस प्लेस. अगर हम आपको नियरेस्ट 100 करना है तो सबसे पहले क्या करना, टेंस की प्लेस पे देखना. ओके
अगर नियरेस्ट 10 करना है तो वंस की प्लेस देखना, नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस की प्लेस देखना। इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज लेस देन 5, रिप्लेस द डिजिट इन द वंस एंड टेंस प्लेस विद 0 एंड ऑल द अदर डिजिट ऑफ द नंबर्स रिमेन द सेम। दिस इज कॉल्ड राउंडिंग डाउन। अगर टेंस की प्लेस पे 5 से छोटा रहा नंबर तो क्या करना है, वो प्लेस पे वंस की और टेंस की प्लेस पे 0 से ऐड कर देना और बाकी के पूरे नंबर सेम लिखना। इफ़ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 5 और ग्रेटर देन 5, रिप्लेस द डिजिट इन द वंस एंड टेंस प्लेस विद 0 एंड ऐड 1 टू द डिजिट इन द 100 प्लेस। अगर टेंस की प्लेस पे 5 या 5 से नंबर बड़ा रहा, 6, 7 ऐसा कुछ नंबर रहा समझो, तो जब क्या करना, वंस की और टेंस की प्लेस पे 0 0 लिखना और हमको क्या करना है, नियरेस्ट 100 करना है तो 100 की प्लेस पे 1 ऐड कर देना, ओके, और बाकी के सब नंबर्स सेम लिखना। एग्जांपल देखिए, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100, अब ये 346 है, 346 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, 100 की प्लेस देखना। 346 है, इसमें क्या करना है, हमको नियरेस्ट 100 करना है ना, तो टेंस की प्लेस, टेंस पे क्या है नंबर, यहाँ पे 4 है, 4 5 से बड़ा है या छोटा है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो लेस देन रहे तो क्या करना, ये दो प्लेसेस पे 0 लिखना या और 100 प्लेस का नंबर एज इट इज सेम लिखना, तो यहाँ पे 2 जीरोस आ जाते। तो देखिए 346 इज राउंडेड डाउन टू 300। इन द टेंस प्लेस 4 लेस देन 5, सो राइट जीरोस इन प्लेस ऑफ 46 के पास ये दो जीरोस लिख दे रहे और क्या कर रहे, बाकी का एज इट इज नंबर लिख दे रहे। नेक्स्ट 6471 इज राउंडेड अप टू द 6500। ये कैसा होता, देखिए फर्स्ट टेंस की प्लेस पे नंबर देखिए 7, 7 लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, यानी 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा रहे तो क्या रूल है इसका, वंस और टेंस की प्लेस पे दोनों पे 0 लिखना, 0 लिख के क्या करना, 100 की जो प्लेस रहते इसमें 1 ऐड करना, तो 6000, ये 4 + 1 = 5, यहाँ पे 0 0 लिखना है ना, 6500। इन द टेंस प्लेस 7 ग्रेटर देन 5, सो ऐड 1 टू द 1 to 4 एंड राइट जीरोस इन द प्लेस ऑफ 71, ओके। नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट अगर 1000 हमको चेक करना है तो टू राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000 लुक एट द डिजिट इन द 100 प्लेस। अगर टेंस कर रहे तो वंस की प्लेस देखना, हंड्रेड्स कर रहे तो टेंस की प्लेस देखना, थाउजेंड कर रहे तो 100 की प्लेस देखना। इन द डिजिट, इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज लेस देन 5, रिप्लेस द डिजिट इन द वंस टेंस एंड 100 प्लेसेस विद 0 एंड ऑल अदर डिजिट्स ऑफ द नंबर्स रिमेन द सेम। दिस इज कॉल्ड राउंडिंग डाउन। फॉर एग्जाम्पल सॉरी जो नंबर हम लिए उसमें 100 की प्लेस पे जो नंबर है वो 5 से अगर लेस देन है यानी छोटा है नंबर तो क्या करना, वंस टेंस की और 100 की प्लेस पे 0 से ऐड कर देना, जो भी नंबर है वहाँ पे 0 से लिख देना, लिख के क्या करना, एज इट इज़ जो पहले नंबर्स थे वो पूरे लिख देना। अगर 5 से छोटा है तो 100 की प्लेस पे नंबर, अगर 100 की प्लेस पे 5 से बड़ा नंबर रहा या 5 रहा तो क्या करना, वंस टेंस और 100 की प्लेस पे जीरोस लिखना और 1000 की प्लेस में 1 ऐड कर देना, ओके। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, 2401 है, 2401 है तो 100 की प्लेस पे यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो क्या है, 5 से कम है ना नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 जीरोस लिख देना, या 1 ऐड करने की ज़रूरत है नहीं है, क्यों बोले तो ये नंबर 5 से छोटा है इसीलिए ओनली यहाँ पे 3 जीरोस लिख देना, तो ये 2000 हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे 100 की प्लेस पे 7 है, ओके, 7 क्या है यहाँ पे, 5 से ग्रेटर देन है, तो 5 से ग्रेटर देन रहे तो क्या करना, ये 3 प्लेसेस पे 3 जीरोस लिख देना और ये 6 में ये 1000 की जो प्लेसेस में 1 ऐड करना, तो यहाँ पे देखिए 1 6 + 1 7, ये 3 जीरोस देखिए यहाँ पे 1 7 0 0 0, ओके।
Next, round of 24,37,285 to the nearest tens, 100,000, 10,000 lakhs. अब क्या करना है, ये जो एक गिवन नंबर है ये नंबर में नियरेस्ट 10 भी लिखना है, 100,000 और 10,000 लाख्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस लिखना है, तो टेंस में क्या करते हैं, वंस की प्लेस चेक कर वंस की प्लेस पे चेक करते. वंस की प्लेस पे यहाँ पे क्या क्या है, फाइव है, तो फाइव फाइव से अगर छोटा रहा तो ज़ीरो लिखना, एज इट इज़ नंबर लिखना. अगर फाइव से बड़ा रहा या फाइव रहा तो क्या करना है, फाइव के प्लस पे ज़ीरो लिखना. और टेंस की जो प्लेस है, हमको टेंस करना है ना, तो टेंस की प्लस पे वन ऐड करना. तो देखिए यहाँ पे वन ऐड करो तो एट प्लस वन नाइन होता, फाइव के प्लस पे ज़ीरो. तो देखिए 2,4,3,7,2,9,0 टू द नियरेस्ट, टू द नियरेस्ट 10. अब यहाँ पे 100 करना है, 100 करना है तो क्या करना, टेंस की प्लेस चेक करना. टेंस की प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 8 है. तो 8 क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, 8 ग्रेटर देन है. तो क्या करना, दो दो यहाँ पे दो प्लेसेस पे ज़ीरो लिख देना. और यहाँ पे 2 में क्या करना, प्लस 1 ऐड करना. तो प्लस 1 ऐड, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 0 0. तो यहाँ पे देखिए ये होता नंबर, नियरेस्ट 100 का नंबर ये होता. नियरेस्ट 1000 में क्या करना, 100 की प्लेस देखना. 100 की प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 लेस देन है ना, तो 3 प्लेसेस यहाँ पे 0 लिख देना. लिख के क्या करना, पूरा एज इट इज़ नंबर सेम लिख देना. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, 10,000. तो 10,000 की प्लेस है तो 1000 की प्लेस पे नंबर चेक करना, 7 है. 7 क्या है, 5 से बड़ा वाला नंबर है, इसीलिए क्या करना, एज इट इज़ 4 नंबर्स के पास 0 लिखना. और 10,000 की प्लेस पे 3 के प्लस प्लस 1 करना, तो 3 प्लस 1 4 4 0 सेट कर देना. नेक्स्ट 1 लाख, नियरेस्ट लैक्स वो तो 10 लाख की प्लेस पे 3 है नंबर, तो 3 बोले तो क्या है, लेस देन 5 है, यानी 5 से छोटा है, तो पूरे ज़ीरोस लिखना और एज इट इज़ नंबर लिख देना. तो यहाँ पे 3 है, 3 के पास से पूरे ज़ीरोस और एज इट इज़ नंबर लिख दिया. ओके, लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 5, फर्स्ट राउंड ऑफ टू द राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. 75,375, 83,695. यहाँ पे देखिए राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. द नियरेस्ट टेंस को तो क्या करना है, फर्स्ट जो नंबर है वंस की प्लस चेक करना. वंस की प्लस पे 5 है या 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है नंबर देखना. तो 5 है यहाँ पे, तो 5 पर तो क्या करना है, यहाँ पे 0 ऐड करना और 7 में प्लस 1 ऐड करना. यहाँ पे प्लस 1 ऐड होता, 7 प्लस 1 8, और यहाँ पे 5 के पास 0 आ जाता. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे 0 आता, यहाँ पे प्लस 1 आता, तो 3 8 0. नेक्स्ट यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे 0 आता, यहाँ पे प्लस 1 आता, यहाँ पे 10 हो जाता. ओके, देखिए 0 9 प्लस 1 10 प्लस 1 10 0 यहाँ पे 1 6 1 7 3 8. ओके, बी बिट देखिए, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 के पास करना है, 100 के पास करना है तो टेंस की प्लस चेक करना है. यहाँ पे टेंस की प्लस देखिए 9 है. यहाँ पे 9 क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है. 9 5 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है. बड़ा है तो क्या करना, ये दो प्लेसेस पे 0 लिखना और 8 में प्लस 1 ऐड करना. तो यहाँ पे दो प्लेसेस पे 0 और 8 में प्लस 1 करे तो 9. नेक्स्ट यहाँ पे टेंस की प्लेस फिर 3 है. 3 वो तो क्या है, 5 से छोटा है. 5 से छोटा वो तो ये दो प्लेसेस 1 और 10 पे 0 लिखना और बाकी के एज इट इज सेम लिखना. तो 5 7 0 0. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टेंस की प्लस पे 7 है. तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो दो प्लेसेस पे 1 और 10 पे 0 0 लिखना और 100 की प्लेस पे प्लस 1 ऐड करना. ओके, यहाँ पे 0 0, 4 प्लस 1 5, एज इट इज 6 और 1 लिख देना. ओके, नेक्स्ट राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 की प्लेस चेक करना. ओके, 100 की प्लेस चेक करना है यहाँ पे. तो 100 की प्लेस पे यहाँ पे 9 है, तो 9 बोले तो क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो फर्स्ट के 3 नंबर सेम लिखना और जो हम नियरेस्ट जिसके नियरेस्ट देख रहे हैं वो प्लेस पे 1 ऐड करना.
तो यहाँ पे देखिए 0 0 0, 9 3 4 प्लेस पे 0 0 लिखिए। यहाँ पे 0 में प्लस 1 करो तो 1 2। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, 100 की प्लेस पे 2 है, तो 2 क्या है यहाँ पे 5 से छोटा है, तो 3 प्लेसेस पे 0 लिख देना, एज इट इज़ नंबर लिख देना, 8 1 0 0 0। नेक्स्ट यहाँ पे 4 है, 4 भी क्या है 5 से छोटा है, तो ये 3 प्लेसेस पे 0 लिख देना, एज इट इज नंबर लिख देना। ओके, नेक्स्ट राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। अब क्या करना है 10,000 के नियरेस्ट, तो 10,000 में तो हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में 1,000 की प्लेस देखना, 1, 10, 100, 1,000 जो मैं टिक कर रही हूँ वो प्लेस मेन रहती है यहाँ पे। ओके, 1,000 की प्लेस पे 9 है, 9 क्या है 5 से छोटा है या बड़ा है, अगर छोटा रहा तो 4 प्लेसेस पे 0s लिखना और जो फर्स्ट में जो नंबर है वो एज इट इज लिखना, अगर बड़ा रहा तो क्या करना 4 प्लेसेस पे 0 लिखना और जो हमारे जो 10,000 है वो प्लेस पे 1 ऐड करना, यहाँ पे 9 है यहाँ पे बड़ा है 9, तो क्या करना 4 प्लेसेस पे 0 लिखना और यहाँ पे 8 में प्लस 1 ऐड करना, तो 8 में प्लस 1 ऐड करो तो क्या होता 9 और ये एज इट इज़ 4 प्लेसेस पे 4 जीरोस। ओके, नेक्स्ट 1, 10, 100, 1,000 यहाँ पे 1,000 फिर 9 9, तो नहीं ये 9 है तो यहाँ पे 9 बड़ा है ना, तो यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ता, तो देखिए जीरोस लिख देना फर्स्ट 4 प्लेसेस पे 0 0 0 0, 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ पे 1 होता, 5 1 6। ओके, नेक्स्ट ये आप लोग कीजिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट लैक्स, लैक्स के पास करना है, देखिए 1, 10, 100, 1,000, 10,000 लैक, तो 10,000 की प्लस पे नंबर 6 है, तो 6 बोले तो क्या करना एज इट इज जीरोज लिखना और यहाँ पे प्लस 1 ऐड करना, 8 0 0 0 0 0। नेक्स्ट 1, 10, 100, 1,000 लैक, लैक्स की प्लेस है यहाँ पे, तो 10,000 पे 5 है, तो 5 है या 5 से बड़ा रहा तो क्या करना फर्स्ट के पूरे नंबर 0 लिखना और लैक्स की प्लेस पे 1 ऐड करना, 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 0s। इसमें देखिए 1, 10, 100, 1,000 की प्लस पे 7 है यहाँ पे, तो 7 रहे तो क्या करना इसमें प्लस 1 ऐड करना, 1 ऐड करके पूरे 0s लिखना और ये 3 प्लस 1 4 2 4 0 0 0, ये आप लोग होमवर्क कीजिए। यहाँ पे इसमें क्या करना है 1,000 की प्लेस पे चेक करना है, 5 है तो ये 5 रहा तो यहाँ पे प्लस 1 लिख के होमवर्क करना। ओके, आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोगों के नोटबुक में कंपलसरी ये पूरी बिट, ये और ये वाली बिट विथ होमवर्क्स कंप्लीट रहेंगी। ओके, एक बार देख लीजिए आप लोगों का होमवर्क, आप लोगों के नोटबुक में कंपलसरी ये रहना है और आप लोगों का होमवर्क जो है 4 o'clock तक आप लोग ग्रुप में सेंड कर देना। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसमें क्या कर दो, पॉज करो, पॉज करके आप लोग लिख लो। ओके, थैंक यू।